हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा इन फोकस टर्बो S5 जो कि डेड आया है मेरे पास। सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है, डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं आ रही है और हीट हो रहा है। तो देखते हैं इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको डीअसेंबल करेंगे हम। तो ये फ्रेंड हमने खोल लिया है फ़ोन को, देखिए किसी ने पूरा ही छेड़ रखा है फ़ोन, शील्ड वगैरह सब हटा रखी है ऊपर की। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहाँ से आ रही है। फ्रेंड बिना ऑन किए बहुत हीट हो रहा है फोन। अब देखते हैं हीट कहाँ से हो रहा है। ये आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हीट कहाँ से हो रहा है, आपको फील होगा कि कहाँ से सबसे ज़्यादा हीट हो रहा है। तो ये हीट इस एरिया से हो रहा है, देखिए यहाँ से हीट हो रहा है। एक बार इसको पीछे की तरफ से भी देख लेते हैं कि कहाँ से ज़्यादा हीट हो रहा है। इसमें बैटरी लगा के ही देखते हैं, ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना ऑन किए हीट हो रहा है। तो इसको हम यहीं से बैटरी लगा देते हैं, थोड़ी देर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से हीट हो रहा है, उंगली भी नहीं रखी जा रही है, इतना हीट हो रहा है। तो देखते हैं कौन सा कंपोनेंट इसमें हम चेंज करते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले इसके कंपोनेंट चेंज करके देखते हैं। ये इसके लाइट के कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये चेंज करके देखते हैं। हो सकता है इसी वजह से ही लाइट ना आ रही हो और सेट ऑन ना हो रहा हो। तो फ्रेंड आपके पास अगर सेम ऐसा बोर्ड है तो उसमें से भी लगा सकते हैं सामान को, और नहीं तो फिर आप कहीं से अरेंज करके सेम वैल्यू के लगा सकते हैं। तो फ्रेंड जो हीट होती है वो सबसे ज़्यादा कोयल होती है, सबसे पहले कोयल चेंज करके देखते हैं इसकी। अब हमारे पास सेम ऐसा दूसरा सेट है, हम उसकी कोयल लगा के देखेंगे इसमें। तो ये दूसरा सेट है जो मैंने खोल रखा है पहले से ही, इसकी कोयल लगा के देखते हैं हम। एक ख़राब कोयल वापस डेड फोन में लगा रहे हैं।
तो फ्रेंड अब हमने कॉइल लगा दी है इसकी और देखते हैं अब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है नहीं हुई है। फ्रेंड अगर इस कॉइल को चेंज करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप इस डायोड को भी चेंज कर सकते हैं। साथ में ये कंपोनेंट सारे लाइट के लगे हुए हैं इसमें, इसके लिए आप लाइट की कोई दिक्कत है तो लाइट ठीक कर सकते हैं फोन में। ये कॉइल बहुत हीट कर रही थी, हमने फिलहाल इसीलिए इसको चेंज किया है, अभी हमने डायोड चेंज नहीं किया है, देखते हैं शायद इसी से हो जाए ठीक ही। तो फ्रेंड अभी ठंडा हो चुका है, इसको वापस बोर्ड में लगाते हैं। इसको चालू करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड लाइट आ गई है, इसमें ऑन हो गया है, तो मतलब उसी कॉइल से ही दिक्कत थी इसमें। अब हीट देख लेते हैं, हीट हो रहा है नहीं हो रहा है, हीट भी नहीं हो रहा है अभी। तो फ्रेंड आपके पास ऐसे ही कोई इनफोकस का फ़ोन आए और उसमें लाइट ना चल रही हो, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा हो या कहीं हीट कर रहा हो तो आप इन कोइल वगैरह को चेक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड ये स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको इसी तरीके की वीडियो आगे दे सकूँ।